नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं क्लासिक 24 ऑनलाइन चैनल। वार त्यौहार का टाइम चल रहा है, वार त्यौहार निरंतर आ रहे हैं और इन्हीं के दौरान आने वाला है पितृपक्ष श्राद्ध। इसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं जो कि 15 दिन तक चलता है। इस बार 6 सितंबर से 20 सितंबर तक के ये चलने वाला है और इसमें हम हमारे गुजरे हुए पितरों के, गुजरे हुए पूर्वजों की सेवा करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं और उनके लिए खाना खिलाते हैं, ब्राह्मण को गौ माता की सेवा करते हैं। ये हमारे पितर जो कभी हमारे परिवार के सदस्य थे, जो कभी हमारे फैमिली के सदस्य थे, जो कभी हमारे परिवार के हेड थे, ये प्राण त्याग कर पितरों के रूप में पितृलोक में स्थापित हैं। आज जब हम इनकी लिए सेवा करते हैं, इनके नाम से श्राद्ध करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और फलस्वरूप हमारी फैमिली, हमारी पारिवारिक वृद्धि होती है। हमारे परिवार में विवाह होते हैं, हमारे परिवार में बच्चे होते हैं और हमारे परिवार में मेलजोल बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, क्योंकि ये हमारे परिवार में कभी परिवार का हिस्सा रहे थे, कभी हमारे परिवार में रहे थे, तो परिवार की वृद्धि का आशीर्वाद हमें पितर ही दे सकते हैं। तो इस बार 6 सितंबर से पितरों का ये दौर आ रहा है जिसमें हमको पारिवारिक वृद्धि की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये श्राद्ध करने होंगे और इससे हमको जो विवाह की समस्याएं हैं, जो बच्चों की समस्याएं हैं, वो दूर होगी। हालांकि यश, मान सम्मान और धन संपत्ति जो है वो हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद से मिलती है, पूर्व जन्म के कर्मों से मिलती है और अपने भाग्य से मिलती है, लेकिन पारिवारिक वृद्धि जो है वो हमें पितरों की सेवा से ही मिलती है। कुछ तिथियां आगे पीछे हो सकती हैं, जैसे कि 6 सितंबर को प्रतिपदा और पूनम का श्राद्ध साथ में ही है। इस तरह से अगर तिथियों से संबंध में आपको कोई समस्या आती है तो अपने निकटतम ब्राह्मण से बात करें, अपने कुल ब्राह्मण से बात करें और अपने परिवार के लिए श्राद्ध की जो तिथियां हैं उनको निर्धारित करें और समय पर ये समस्याओं को आप अपने कुल ब्राह्मण से बात करके निपटा सकते हैं। तो 6 सितंबर से 20 सितंबर के दौरान श्राद्ध पक्ष आने वाला है, पितृपक्ष आने वाला है। आपके परिवार में वृद्धि हो, आपके परिवार में विवाह हो, आपके परिवार में बच्चे हों और आपके परिवार में मेलजोल बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है और यही आपको आशीर्वाद मिले। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए क्लासिक 24 ऑनलाइन चैनल। मैं फिर आपसे मिलूंगा कुछ और धार्मिक बातें लेके, कुछ और तीज त्योहारों की बातें लेके, कुछ और ऐसी बातें लेके जो शास्त्रों में वर्णित है।